नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बैठो बैठो। माँ के ऊपर निबंध लिखकर लाने को कहा था, लिखकर लाए हो? लिखकर लाए। दिखाओ किधर है। क्यों छोटे नवाब, तुम्हारा निबंध कहाँ है? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते तुम? क्यों नहीं लिखा है? जमींदार के बेटा होने का घमंड है? चलो हाथ निकालो। माँ के बारे में दो शब्द लिखकर नहीं ला सकते हो? कम से कम मार खाते समय तो तुम्हारे मुंह से माँ माँ निकलना चाहिए। चोट लगने पर कोई भी माँ का ही नाम लेता है, पशु भी माँ माँ करके चिल्लाते हैं। तुम्हें क्या हो गया रे? बेचारे के माँ नहीं है सर। हेलो, कौन? मे आई नो हु इज स्पीकिंग? जस्ट अ मिनट सर। सर, दिल्ली से फोन है। हाँ मुकेश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। नो नो, नॉट एट ऑल, नो प्रॉब्लम। हाउ मच? 5 लाख। ओके, बट ट्राई टू मेक द डील एट 4 लाख। मुनीम जी, क्या है बेटा? फोन में यहाँ से दिल्ली बात कर सकते हैं क्या? क्या बेटा, अमेरिका के राष्ट्रपति से भी बात कर सकते हैं? हमें किससे बात करनी है? फोन कैसे जानेगा? हमारे फोन लगाते ही एक्सचेंज में ऑपरेटर फोन उठाएगा। हमें किससे बात करनी है जब बताएंगे तो वो कनेक्शन देगा। बस हेलो। सुनिए, मुझे माँ से बात करनी है, उसे बुलाइए ना। वो तो भगवान के पास है। बेटा जरा फोन अपने पिताजी को देना। नहीं, मैंने पिताजी को कितनी बार कहा तो भी वो माँ को लेकर नहीं आ रहे। एक मिनट रुको। प्रमिला जी, बेचारा वेंकट जी का बेटा फोन करके अपनी माँ से बात करने के लिए कह रहा है। माँ, मैं तेरे लिए हर रोज रो रहा हूँ और तू नहीं आएगी बोल के। माँ तू नहीं आएगी कह के श्रेणु वेणु बालाजी टिकू सुन्ना सब मुझे रुला रहे हैं। माँ माँ, आज मास्टर जी ने माँ के बारे में ना लिखने के लिए मुझे मारा। मैंने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा ना, इसलिए नहीं लिख सका। माँ मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। माँ माँ तुम घर आ जाओ ना। तुम नहीं आओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। माँ माँ, पापा पापा पापा, मैंने माँ से बात की। माँ हमारे घर आ रही है। माँ झूठ नहीं कहेगी, माँ सच में आएगी। आएगी ना? बेटा सच में आएगी वो। अगर माँ नहीं आएगी तो मैं खुद माँ के पास जाऊंगा। बेटा नहीं, बेटा
मैं जरूर तुम्हारे लिए माँ लेकर आऊंगा बेटा। गंगा मौसी तुम जानती हो कल मेरी माँ आ रही है। सुनो फुलवा, शाम को मेरे सब कपड़े लेकर आना। अरे वेणु, श्रीनु, तुमने कहा था ना माँ नहीं आएगी, देखो कल माँ आ रही है। क्या माँ आ रही है? इसका बाप दूसरी शादी कर रहा है रे। ओ अच्छा, तो वो जो आएगी ना तेरी माँ नहीं मौसी है? नहीं वो माँ है। नहीं मौसी, कहा ना माँ है। नहीं मौसी। तुम कौन हो? मेरी माँ हो या मेरी मौसी हो? बोलो बोलो ना, माँ हो या मौसी हो? मैं तेरी मौसी नहीं बेटा, माँ हूँ। सच? सच में, ईश्वर की कसम। इतना बड़ा घर, बाप रे। अरे मेरी प्यारी बहना, इस घर का गहना। अरे मेरी बहना, मेरी बहना इतना कमजोर क्यों हो गई? मेरी बहना, मेरे इस घर का गहना। मेरी ननंद, मेरी प्यारी ननंद, मेरी जान। अरे मेरी प्यारी प्यारी बहना, इतना वीक कैसे हो गई है तू? क्या हो गया है तुम्हारा सर? ये बहुत पतली हो गई है ना। भैया मैं कल ही आई थी, एक दिन में पतली हो गई क्या? अंदर आइए। देखो ननंद जी, तुम्हारे भैया की सब जान तुम्हारे ऊपर ही है। 24 घंटों में 48 बार बहना बहना कह के जाप किया करते थे। ब्लड रिलेशन? देखो ना, रोज तीन तीन प्लेट खाते थे ना, कल दो ही प्लेट खाया इन्होंने। सच है ना? अरे साला बाबू, ये अचानक कैसे? हाँ जीजा जी, अपनी बहन को छोड़कर अब मैं नहीं रह सकता, इसलिए अपनी सारी खेती बाड़ी, गहने वहने, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके अपनी बहन के पास आ गया हूँ। साहब, हाँ? जब शादी करने के लिए आपके गांव आए थे तब हमें आपके घर में आपके अलावा गहने कपड़े वाहन ये सब कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। मुनीम जी। साहब। जीजा जी, अगर आप कहे तो मैं अपनी बहन की देखभाल करते हुए यही कुत्तों जैसा रहूंगा। आप हमें जो भी खाना देंगे वो हमारे लिए काफी होगा। अच्छा? आपका बचा हुआ मटन, मुर्गी, चिकन खाते हुए, बहन जीजा का जाप करते हुए हम यही कोने में दुबके रहेंगे, है ना जीजा जी? देखिए साले साहब, हमारा और कौन दूसरा रिश्तेदार है यहाँ पर, आप इसे अपना ही घर समझ कर रही है। आप कितने अच्छे जीजा जी हैं जीजा जी। नहा धोकर आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। आप अपना काम देख लीजिए, हम अपना काम देख लेंगे। अंदर आइए। हाँ। आपका नाम क्या है? गिरीश चंद्र। आप अपने महान माँ बाप को मेरा प्रणाम कहना। क्यों भैया? दूसरों के ऊपर मुसीबत बनकर गिरते हैं आप, और उन्होंने आपका नाम गिरीश रख दिया है इसके लिए। ब्लड रिलेशन? हाय, अब क्या करूं? हाय, अब क्या करूं? सिस्टर नागेश्वरी, हो गया, हमारा घर पूरा डूब गया। क्या हुआ? अरे ये सारी जायदाद जीजा जी के नाम है, यही बोल करके तुम्हारी शादी की थी ना। हाँ। अरे तुम्हारे नाम तो चाय पीने का एक कप भी नहीं है। उस मुनीम को मस्का मार करके मैंने एक इन्फॉर्मेशन निकाली है। अरे जीजा जी के नाम तो एक इंच जमीन भी नहीं है, ये पूरी जायदाद उस छोटे नवाब के माँ की है। तेरे पति जस्ट उसके वॉचमैन है। इतना ही नहीं, तुम्हारी सौतन जाते जाते वसीयत में छोटे नवाब की शादी होने के बाद वो या उसकी बीबी दस्तखत करे तो ही ये सारी जायदाद किसी को बेच सकते हैं या ये दान में दे सकते हैं, और कुछ नहीं। हो गया, हमारा प्लान पूरा फ्लॉप हो गया। माँ देखो ना, गणित में मुझे कितने मार्क्स आए हैं। मेरा प्यारा बच्चा, तू जाकर नहा ले, फिर मैं खाना खिलाती हूँ। ठीक है माँ। आउट, ऑल आउट। इंडिया, पाकिस्तान, तेरे सर का फूल निकालिस्तान। ये छोकरा अनपढ़ गवार बनेगा तो हमारी मुट्ठी में रहकर लाइफ लॉन्ग गेम खोलेगा, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन अगर ये 100 में 100, 116 लाएगा तो हमारे हिस्से में सिर्फ मिट्टी ही आएगी। क्या कहना है, छोटा नवाब हमारी मुट्ठी में रहना चाहिए, वही ना? इतना ही, लेकिन वो इतना आसान नहीं देखो? है।
इस पल से मैं उसे कैसे पालूंगी वो तुम देख लेना। अब वो जिएगा तो माँ के लिए और मरेगा तो भी माँ के लिए। खाना ठीक से खाओ, ये पढ़ाई छोड़ो बेटा। ऐसा क्यों माँ, मैं पढ़ाई नहीं करूँ? पढ़कर क्या हासिल करोगे? हमारे मुनीम जैसे माँ जी बोल के नौकरी करने वाले उतना ही नहीं। उधर देखो वो सब कौन है मालूम है? इस तरफ खड़े हैं वो इंजीनियर हैं, वो बीच में खड़े हैं तहसीलदार हैं, और वो काली कोट वाले लॉयर हैं। वो सब इतनी पढ़ाई करके तेरे पिताजी के सामने क्यों हाथ जोड़कर खड़े हैं? क्यों हाथ जोड़कर खड़े हैं? हमारे पास पैसा है ना, इसीलिए बेटा। कितना भी पढ़ने वाला पैसे वालों के सामने हाथ जोड़कर ही खड़ा रहता है। तुम खूब पढ़कर भी उनके जैसा हाथ जोड़कर खड़े रहोगे क्या? या फिर अच्छी खेती बाड़ी करके खूब पैसा कमा के पैर के ऊपर पैर रखे ठाट से बैठोगे? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे मेरा बेटा खूब पैसा कमा के पैर के ऊपर पैर रख के बैठे वो ही पसंद है। सुपर बहना, सुपर बहना, आखिर उस छोकरे की पढ़ाई बंद करवा ही दी। अब तो बस वो एक कठपुतली है, हम जैसा चाहें अब उसे नचा सकते हैं। देखो ऐसे ही अब जीजा जी के हाथों में जो चाबियां हैं, अगर वो भी हमारे हाथों में आ गई है तो तू होम मिनिस्टर और मैं फाइनेंस मिनिस्टर। भाभी सुनो, नारियल तेल की बोतल लाओ। अजी सुनते हो? हाँ। खाना खाने आइए। आ रहा हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? उन्हें कोई खतरा तो नहीं है ना? सॉरी मैडम, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अब इनके लिए चलना फिरना मुश्किल है। सुनिए दवाई ले लीजिए। अरे नहीं, मैं ये दवा नहीं लूंगा। ये दवाई नहीं है, टॉनिक है। दूसरी बोतल नहीं मिली इसीलिए नौकर इसमें ले आया। कौन है वो नालायक? उस नालायक के बारे में बाद में देखेंगे, पहले अपने बच्चे के बारे में सोचो। क्यों, अब उसने क्या किया है? 10 दिन से स्कूल नहीं गया है। क्यों बेटा, पूछा तो कहता है तुम्हें क्या है, और गंदे बच्चों के साथ बीड़ी पी रहा है। ये बात मुझे बताने के बजाय तुमने उसे मारा क्यों नहीं? मारूंगी तो गाँव वाले मुझे ताना नहीं देंगे, कहेंगे मौसी बहुत सता रही है। छोटे नवाब, छोटे नवाब, आप रुकिए, मैं उसे भेजती हूँ। कहाँ जा रहे हैं? पापा बुला रहे हैं। नहीं बेटा, तुम पापा के पास मत जाओ। क्यों माँ? वो पी रहे हैं इसीलिए मत जाओ। पापा पी रहे हैं? हाँ बेटा, दोनों वक्त पी रहे हैं। मत पियो कहा और बोतल छीनी तो मुझे लात मार दी, जोर से मारी। उन्होंने तुम्हें मारा? क्यों रे, गंदी आदत सीख रहा है तो? क्यों, तुम नहीं सीख रहे? मेरी बात का उल्टा जवाब देता है बदतमीज, सुधारना नहीं चाहता तू? तुम्हें सुधरना नहीं है क्या? ये क्या किया रे तूने? तमीज कहीं का? क्यों मार रहे हैं? छोड़िए, सुधारने के बजाय तू और बिगड़ता जा रहा है। छोड़िए, छोड़ूंगा मैं ये सब। क्या कर रहे हैं जीजा जी? छोड़ो इसे, चलो छोड़िए, छोड़िए, छोड़ दीजिए। तुम लोग बीच में मत आ, निकलो यहाँ से। मैं अरे छोड़िए ना सिस्टर, अभी सिखाता हूँ। जीजा जी को देखकर लगता है ये पूरे पागल हो गए हैं। ए सुन,
मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। ये पागल जैसी बातें, सिस्टर दूर रहो इनसे, दूर रहो। मैं तुम्हें तुम्हें मार डालूंगा। बहना चलो चलो निकलो यहाँ से, बहना समझ सकते हो आपको? मैं कह रहा हूँ ये पागल बोलता है, चलो चलो जल्दी करो, बदतमीज कहीं का, निकल यहाँ से। क्या हुआ पूछ रहे? अरे जीजा जी पागल है, अरे चलो 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 बंद करो, अरे चलो चलो निकलो। हे भगवान, नाग देवता, पिता की मार को ना सह पाकर मेरे बेटे ने 3 दिन से आंखें नहीं खोली है, इसे बचा लो, मेरे बेटे की जान बख्श दो, चाहिए तो मेरी कोख में पलने वाले बच्चे का बलिदान ले लो। इसे कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, मेरे बेटे को बचा लो। बेटा, नाग देवता शक्तिशाली माँ है, मेरी प्रार्थना सुनेगी, मेरे पेट में पलने वाले बच्चे की जान लेकर तुझे जीवित रखेगी। एक बार इस देवी को प्रणाम करो बेटा। आने से पहले जल्दी से खा लीजिए। जिंदा रहने के लिए अगर मुझे अपने ही घर में चोरों की तरह खाना पड़े तो मर जाना उससे बेहतर है। सुनो तो, मुझे जरा जहर लाकर दे दो। बाबूजी। हाँ बेटी, मरने दो मुझे। पागल की मुहर लगाकर मुझे इस कमरे में डाल दिया है उन राक्षसों ने। इस बात का मुझे उतना दुख नहीं है, लेकिन उस कमीनी की बात मानकर मेरे कलेजे का टुकड़ा भी मुझे पागल समझता है, वही मेरे दिल को जला रहा है। दुखी मत हुई बाबूजी, किसी न किसी दिन छोटे नवाब सच्चाई जान लेंगे, आपके अच्छे दिन आएंगे, खाइए ना। इस घर में हाथों से काम करना है, मुंह से नहीं। भूख लग रही है क्या जीजा जी? ठहरिए, खाता हूँ। क्यों जी, तुम इंसान हो या जानवर? भाई साहब भूखे हैं और तुम अकेले जानवर जैसा खा रहे हो, मुझे भी खिलाओ। ये लो। अरे किस अंडे का पैदा हुआ मुर्गी है रे। जीजा जी आप भी खा लो। ये माँ, मैं शाम को निकलूंगा। फीस भरने का बोला था ना, कितना चाहिए? 2000 रुपए। हाँ ठीक है, ले लो। और सुनो, अच्छे से पढ़ाई करना, कोई गलत काम मत करना, नहीं तो खेतों में गोबर पीसना पड़ेगा, वो भी छोटे नवाब की तरह। पैसा पैसा कह के मेरी जान खाएगा तो कहाँ से आएगा पैसा? अपने भाई को देखो, कैसे दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहा है, महाराजा की तरह शान से जी रहा है। तुम भी ये सब बंद करके भाई की मदद करो। मेरे बस की बात नहीं है, मैं पढ़कर डॉक्टर बनूंगा। नहीं पढ़ा सकती हो तो बोलो, मैं कुछ और कर लूंगा। ए, क्या बकवास लगा रखी है, क्या बात है? रूटीन, सिस्टर मत पढ़ो बोलती है, ब्रदर पढ़ूंगा बोलता है, डिफरेंस। हर महीने 1000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? माँ, छोटा भाई डॉक्टर बनेगा तो हमारी कितनी इज्जत बढ़ेगी? लोग जब तुम्हें डॉक्टर की माँ कहेंगे और मुझे डॉक्टर का भाई कहेंगे तो हमें कितना अच्छा लगेगा। तू पढ़ाई करे। ऐसा नहीं बेटा, पैसे पैसे के बारे में भूल जाओ। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 3000। फिर वही, मैंने मना किया था ना, इंग्लिश में बात करेगा तो मेरी समझ में नहीं आएगा। मामा कितना मांग रहा? 3 मतलब 4 4000। बस इतने से? माँ दे दो ना। से देने के लिए माँ के पास है ही क्या, चाबी के बंच के सिवाय? जो भी है वो भी बैंक में ही है, डालना निकालना तो बस तुम्हारे हक में है बेटा। ये लो चेकबुक, साइन करो और जितना चाहे उतना निकाल लो। कितनी बार कहा है मुझसे लिखा पढ़ी की बातें मत किया करो। मामा बोलो बेटा, 4000 लिखने के लिए 4 के पीछे कितने शून्य लगाने होंगे? 1000 को 1 शून्य, 4000 बोले तो 4 शून्य बेटा। मुझे भी यही लग रहा है। ये ले, अच्छी तरह से पढ़ाई करना। थैंक यू भैया। भांजे 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 भांजे, मैं भी तुमको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। किस लिए?
मैं भी एक चेक लेना चाह रहा हूँ बेटा। तुम्हें क्या बीमारी है? बीमारी मुझे नहीं, तेरी मामी को है। डॉक्टर को दिखाना है, 1000 साइन कर दो। ठीक है, ये लो। थैंक्स। भांजे, मैं ये तो सिर्फ 10 रुपए है, मैंने तो 1000 बोला था। 1000, 4000 के पीछे 4 शून्य, 1000 के पीछे 1 शून्य, तुम्ही ने बताया था ना। मुझे धोखा देना चाहते हो? मैं इतना भोला भी नहीं हूँ, पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ। जाइए। ला ला ला। वाह रे मेरे भांजे, मेरे दांव से मुझे ही मारा। बेटर। क्या माँ, किसका इंतजार कर रही हो? छोटा नवाब आने वाला था, अभी तक नहीं आया। पैसा दे दिया ना, अब उससे क्या काम है? तेरे लिए कुछ लाने गया है। ए छोटके, तुम्हें पसंद है ना? देख तेरे लिए आगरे के पेठे लेकर आया हूँ, ले ले। ये सब क्यों? अरे क्यों, क्या पूछता है? तेरे खाने के लिए और किस लिए? ए तुझे पैसे चाहिए तो खत लिखना। हाँ नहीं नहीं, फिर किसी से पढ़वाना पड़ेगा, फोन करना। ए अच्छे से पढ़ाई करना, माँ का नाम रोशन करना। ओके ठीक से संभाल के फोन करना। आप अपना मुंह मत मोड़िए माँ जी, एक बार मेरी बहन के चेहरे की ओर देखिए। आपके यहाँ गिरवी रखे गहने नहीं छुड़ा पाया तो इसके ससुराल वालों ने इसे बाहर निकाल दिया है। तो इसमें मैं क्या करूँ, पैसे देके गहने ले जाऊँ? ब्याज के साथ तो पूरा पैसा चुका दिया था माँ जी। पैसे दिए होते तो पूरे गहने दिए होते। माँ जी आपके हाथ जोड़ता हूँ, झूठ मत कहिए आप। मेरी बहन की जिंदगी है वो गहने, आपकी बेटी समान है ये। गहने देखकर मेरी बहन की जिंदगी बचा लीजिए माँ जी। आपके पास जितना है उसके सामने वो गहने कितने के हैं? वो गहने नहीं लाया तो उसका पति उसे छोड़ देगा बोल रहा है। वो छोड़ देगा तो तुम रख लो। क्या बोला तुमने? मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाता है? वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं कह रही हूँ छोड़ दो उसे। अरे चलो 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 चलो, उठो 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 उठो। क्यों तू उसे मार खाता रहा? उसकी माँ ने तेरे साथ जो धोखा किया है वो तुझे बता सकता था ना। तू बोल रहा है ना छोटे नवाब ने सुना तो तू भी मरेगा, समझ लेना। ये क्या कह रहे हो, वो भी धोखेबाज है। उनके बारे में कुछ और बोला ना तो तुझे भी मारेंगे। ये क्या कह रहे हो? और नहीं तो क्या, हमारे छोटे नवाब को धोखेबाज बोलता है? हमारे छोटे नवाब सच में नवाब है, लेकिन वो माँ जी के बारे में भगवान भी बोल दे तब भी नहीं सुनते हैं। वो जो बोलते हैं वही होता है, समझ गया ना? क्या क्या मालूम, आराम आराम है। सब लोग पूरी मेहनत से काम करो, दोपहर से पश्चिम वाले खेत में काम करना है। ए राजकुमारी, तुम्हारा इंटरवल चल रहा है क्या? अगर आराम करना है तो पंप शेड में जाकर कर, मैं भी वहीं आ रहा हूँ। किस लिए? और किस लिए? मुझे नहीं चाहिए। ए तू नहीं मानेगी तो मैं जहर पीकर मर जाऊंगा। तू जानती है ना मैं तुझे कब से लव करता हूँ। बहुत ललचा रहा है, ठीक है जल्दी आ। ए लड़कियों तुम लोग मेहनत और लगन से काम करना, मैं पंप शेड में जाकर मोटर ऑन करके आता हूँ। क्या भाई पंप शेड में जा रहा है? मोटर ऑन करने जा रहा है। छोटे मालिक किधर है? क्यों पूछ रहे हो? तेरे पंप शेड का किस्सा उन्हें बताने के लिए। तेरे हाथ जोड़ता है, उन्हें कुछ मत बताना। ठीक है चल 50 का मार। जरा उसको नीचे उतारो। एक, दो,
3, 4, 5, 6, 7, ऐसे क्यों मार रहे हो? तुमने 50 बार देखो कहा था मारने के लिए, कहा था घूसे नहीं। ये बात है, तुझे एक कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। अगर तुझे इतनी जरूरत है ना तो छोटे मालिक से दिलवा देता हूँ, जा टकला होकर के आ जा। टकला क्यों? अपना कान ही दबड़ा, दांत नहीं कान बोला, चल कर। क्या खुसफुस कर रहे हो, अंडे निकालो। ये अंडा है क्या? ये टकला कौन है? ये है अपने दंतेश्वर महाराज। दंतेश्वर तू है क्या? ये क्या, तेरे माँ बाप गए? बाप रे बाप, माँ बाप, वो तो बिल्कुल ठीक है जी। फिर तू टकला क्यों हुआ? वो क्या है कि बताऊँ क्या? तू रुक जा, मैं बताता हूँ ना। आज जब वहाँ उस रेलवे स्टेशन पर माजी का गला दबाकर उनकी जान लेने की कोशिश करते हुए उस गुंडे को देखा तो इसने दुखी होकर मन्नत मांगी कि माजी को कोई खतरा ना हो, और ये सीधा तिरुपति चला गया और वहाँ अपने बाल का चढ़ावा चढ़ाकर टकला हो गया। सच में मेरी माँ के लिए तूने सुर मुंडाया? इसे कहते हैं यकीन, इसे कहते हैं विश्वास। आज से तू दंतेश्वर नहीं, मेरा छोटा भाई है। भैया भाई, भैया भाई, भैया अरे ए उमेश जी, मेरे छोटू को कितनी मजदूरी मिलती है? 50 रुपए साहब। अबे तेरी तो दिमाग को गिरवी रख दिया है क्या? आज से 60 कर दो।